चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकालता है ना करंट अफेयर्स के लिए। तो ये सभी आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस हो, फिर चाहे यूपीएससी हो, और भी कोई स्टेट एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, तो इन सभी के लिए आपकी ये महत्वपूर्ण बुक्स है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, आपका विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देख चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विकरण ये भी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो जो खत्म होता जा रहा है आपका, वो सभी आपको एक ही जगह क्लास में डाल दी गई है समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से। जो प्ले लिस्ट सूची हम लोगों ने बनाई हुई है उसी में डली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। इस बार वैसे याद रखिए कि ज्यादा सम्मेलन कुछ हुए नहीं है, जो भी हुए हैं ऑनलाइन हुए हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुए हैं, तो इन्हें कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिए। आपने देखा होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को, 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन, याद रखिए, यह प्रथम अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम अवसर पर। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस सम्मेलन में दोनों देशों की ओर से हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य एक नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की गई है। मुझे लगता है कि ये बढ़िया बात बढ़िया है, इससे खर्च भी बढ़े बचेगा, टाइम भी बचेगा। आप समझ रहे हैं कि बढ़िया मतलब घर से आपका काम हो जाएगा, घर से जो भी आपको समझौते करने हैं कर लीजिए। दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी। 2+2, ये आपको मालूम होगा कि अमेरिका के बीच भी होती है, आप देखते हैं जापान के बीच, और हमारे बीच भी होती है। विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं और रक्षा मंत्री हमारे या उनके कोई प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, याद रहे कि भारत ने वर्तमान समय तक ब्रिटेन, इंडोनेशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सम्मेलन के दौरान हुए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य रक्षा अभ्यासों के माध्यम से सैन्य अंतर सक्रियता में वृद्धि करना है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगी, और दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित अन्य प्रमुख समझौते निम्नता हैं: साइबर और साइबर सक्षम संवेदनशील प्रौद्योगिकी सहयोग पर रूपरेखा व्यवस्था। आपने देखा है कि लॉकडाउन के समय से, जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, इस समय से बहुत साइबर हमले भी हुए हैं। आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया पर भी हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो डायरेक्ट कह दिया कि ये चाइना ने करवाया, वो हकीकत थी, लेकिन हमारे ऊपर भी आपने देखा है चाइना ही नहीं करवाया। अभी आपने देखी है कई रिपोर्टें आई हुई हैं, चाइना मतलब हमारे ऊपर निगरानी रख रहा था, समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी हुआ है। तो रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन को लागू करने की व्यवस्था करना, लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, जल संसाधन प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन, ये सभी हुए। ठीक है, फिर आपने देखा है कि सीएमएस COP13 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के तत्वाधान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र, कौन नंबर के 13वें सत्र आयोजन किया गया, कब? 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के मध्य, कहां? गांधीनगर गुजरात में। इसलिए और जरूरी हो जाता है हमारे ही देश में, गांधी गुजरात में। सी एम एस COP13
का केंद्रीय विषय क्या रहा है? माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टूगेदर बी वेलकम देम होम। तो इस थीम को भी याद रखना, क्योंकि देखिए सिविल सर्विस हो फिर चाहे CMS को तेरे के बारे में सही कथन चुनना है। नीचे तीन चार आपको कथन दे देगा, कहां हुआ है, किस नंबर का है, इस बार की थीम क्या रही है, तो इन्हें याद रखिए। CMS कॉप 13 का लोगो दक्षिण भारत के पारंपरिक कलारूप और कॉलम से प्रेरित था। CMS कॉप 13 का शुभंकर गिबी सोन चिरैया थी। इस शुभंकर को भी याद रखें, गिबी सोन चिरैया, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उच्चतम संरक्षण दर्जा प्रदान किया गया है। और CMS कॉप 13 अब तक हुए पक्षकारों के 13 सम्मेलनों के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन था। ये सभी समय के 82 पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 263 प्रतिनिधि, 5 गैर पक्षकार देशों के 11 प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 50 प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय एनजीओ के 70 प्रतिनिधि आदि सहित कुल 2,550 लोग शामिल हुए इसमें। यानी कि काफी बड़े संख्या में इसमें संगठन एनजीओ लोग शामिल हुए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, तो कि ये सब इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, ठीक है, क्योंकि ये याद रखना आपके लिए सबके लिए मुमकिन नहीं रहता है। 17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। यह प्रथम अवसर है कि जब CMS कॉप भारत में आयोजित किया गया था और CMS कॉप 12 के सत्र का आयोजन एशिया मनीला फिलीपींस में पहली बार किया गया था। तो अभी जो हुआ है ये हमारे भारत में हुआ है और इससे पहले जो 12वां हुआ था वो फिलीपींस में। यह लगातार दूसरा अवसर है कि इसे पुनः एशिया भारत में आयोजित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है एशिया महाद्वीप में हम ही भारत में पढ़ते हैं। याद रहे कि सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है, इसे भी याद रखिए। सम्मेलन के अंतिम दिन गांधी नगर घोषणा पत्र जारी किया गया, गांधीनगर घोषणा पत्र। यह सम्मेलन पिछले 12 सत्रों से अलग था क्योंकि इसमें CMC की निधियों के बारे में रणनीति बनाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पुनः संरचित दूत कार्यक्रम शुरू किया गया। स्थलीय पक्षियों की एवं जलीय प्रजातियों की 3 CMS दूतों को नामित भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संरक्षणकर्ता ईयान रैंडमन ओवी स्थलीय प्रजातियों हेतु विख्यात अन्वेषण एवं पर्यावरणविद साचा डेंच पक्षियों के तथा भारतीय अभिनेता पर्यावरण कार्यकर्ता रणदीप हुड्डा जलीय प्रजातियों हेतु वर्ष 2023 तक प्रवासी प्रजातियों हेतु CMS दूत नामित किए गए। तो अपने वैसे तो सबके बारे में याद रखिए, लेकिन फिर भी अपने यहाँ के भारतीय जो अभिनेता है पर्यावरण कार्यकर्ता रणदीप हुड्डा, इन्हें आप लोगों को याद रखना है, जलीय प्रजातियों हेतु चुना गया है 2023 तक। साथ ही सम्मेलन के दौरान प्रवासी प्रजातियों हेतु 7 चैंपियंस को चिन्हित किया गया है। ये जर्मनी, भारत, इटली, मोनाको, नॉर्वे और यूरोपीय आयोग और पर्यावरण एजेंसी अबुधाबी शामिल है। तो इसमें भी हमारा भारत शामिल है आपका, ठीक है। CMS संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि के रूप में CMS प्रवासी जानवरों और उनके आवास के संरक्षण और संवहनीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। वर्ष 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में इस अभी समय पर हस्ताक्षर होने के कारण इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि CMS का दूसरा नाम क्या है, बॉन कन्वेंशन। यह अभी समय वर्ष 1983 से प्रभावी हुआ है और भारत ने वर्ष 1983 में इस अभी समय पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि भारत इसमें शामिल है या नहीं, तो भारत शामिल है और 1983 से ही भारत ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे, ठीक है। फिर आपने देखा है कि भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 भी हुआ है। लखनऊ में संपन्न रक्षा प्रदर्शनी डेप एक्सपो 2020 के दौरान 6 फरवरी 2020 को भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के लिए मंत्री स्तरीय पैन अफ्रीकी कार्यक्रम की श्रृंखला में पहला आयोजन है। इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और
दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया। लखनऊ घोषणा पत्र, लखनऊ घोषणा पत्र में अफ्रीकी संघ की वर्ष 2020 की थीम साइलेंस दिगंस इन अफ्रीका क्रिएटिंग कंडीशिव कंडीशिव कंडीशंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट है। ठीक है, इस थीम को याद रखना विषय को, एवं इसमें एजेंडा 263 का समर्थन भी किया गया है। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया गया है। पर आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 के बारे में, क्योंकि देखिए 2020 में कम ही सम्मेलन हुए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ चौपट था। मुझे लगता है कि 2019 का करंट अफेयर्स पीछे के इस बार का करंट अफेयर्स पूछने की पूरी संभावना है। पिछली बार भी आपकी एक बुक्स कवर की थी यही, तो अब तो टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन होता तो उसे कवर जरूर कर लेना चाहिए था आप लोगों को। 2 से 15 दिसंबर 2019 के मध्य UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन के 25वें COP25 का आयोजन यूरोपीय देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। तो यही पूछ लेगा कि COP25 का आयोजन यूरोपीय देश या कहां किया गया था, तो याद रखिए स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हालांकि शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अमेरिका अमेरिकी देश चिली की को करनी थी, लेकिन देश में हिंसक जन आंदोलन के कारण चिली ने इस सम्मेलन की मेजबानी करने में असमर्थता व्यक्त की थी। कहने का मतलब है कि पहले ही चिली में होना था, लेकिन इसमें यहाँ आंदोलन चल रहे कुछ तो उसने मना कर दिया, तो इसके बाद मैड्रिड स्पेन में किया गया। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चिली की पर्यावरण मंत्री कैरोलिना स्मिट ने की थी। एक बात और याद रखिए, यहाँ ये पूछ सकता है, क्योंकि आपने देखा चिली में नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैड्रिड में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता चिली की पर्यावरण मंत्री कैरोलिना स्मिट ने की है। ठीक है, COP25 सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके बावजूद सम्मेलन में शामिल देशों ने चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन घोषणा पत्र को अपनी सहमति दी है। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग ने 11 दिसंबर 2019 को यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। यह एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है जो यूरोपीय संघ जो को वर्ष 2050 तक विश्व का पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने के लिए रोडमैप प्रस्तुत करता है। कब? 2050 तक। इस सम्मेलन में चिली ने जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन का प्रचार भी विचार भी किया है। यह गठबंधन 2050 तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शून्य स्तर तक पर लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम भी करेगा। और COP25 सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने वाले 12 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अलायंस फॉर हाइड्रोमेट डेवलपमेंट का गठन भी किया है। ये 12 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं इसमें शामिल? एडॉप्टेशन फंड, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फेम्बर्ग कन्वेंशन के तहत अब तक संपन्न 25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में से COP25 अभी तक की सबसे लंबी जलवायु वार्ता है। यानी कि अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनमें ये COP25 सबसे लंबी समय तक चलने वाली वार्ता है। ठीक है, COP25 के दौरान स्वीडन की किशोर पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने और पारिस्थितिकी के संकट से निपटने की दिशा में पर्याप्त कदम न उठाने के लिए विश्व के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि आपने हमारे सपने चुरा लिए। ये आपको मालूम होगा कि 16 साल के, समझ रहे हैं, 16 साल की लड़की है। ठीक है, तो आप समझिए कि इतने उम्र में भी पर्यावरण के प्रति बचाव के लिए कितनी जागरूक हो चुकी। कोविड माफ करिए COP25
सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, तो इसे भी याद रख सकते हैं। इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मणिपुर की 8 वर्षीय बालिका लिसी प्रिया कंगुजम ने COP25 को संबोधन किया है। तो अपने यहाँ की बालिका भी लिसी प्रिया ये मणिपुर की है, ठीक है। वह इस सम्मेलन को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की वक्ता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपने देखा है कि 11 वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के इतामारती पैलेस में ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन नंबर का है? 11वां। और कहाँ हुआ है? ये इतामारती पैलेस है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, ठीक है। ब्राजीलिया में दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2010 में यह सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया था, ठीक है। 2010 के बाद 2019 में किया गया है। ब्राजीलिया पहला ऐसा शहर है जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 बार हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम रही है, विषय क्या रहा है? ब्रिक्स एक अभिनव अभिनव भारत, भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ठीक है। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिंह और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सो नारोवी, इन्होंने सभी ने भाग लिया है, ठीक है। सम्मेलन के अंत में ब्राजीलिया घोषणा पत्र जारी भी किया गया है। इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित पहलों एवं प्लेखों को हस्ताक्षर भी यानी कि हस्ताक्षर और अंगीकृत किए गए हैं। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 5वीं बैठक के दौर घोषणा पत्र, श्रम एवं नियोजन मंत्रियों की बैठक के संयुक्त वक्तव्य, नवाचार ब्रिक्स नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कार्य योजना 2019-20, वोनेटो घोषणा पत्र से संबंधित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की संयुक्त वक्तव्य भी शामिल किए गए हैं। याद रहे कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इसमें आप देखते होंगे कि जब भी कोई इंडेक्स जारी किया जाता है तो आपको बताया जाता है कि ब्रिक्स सूची में इसे ये टॉप मिला है, हमारे पड़ोसियों को ये मिला हुआ है, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन गया है कि ब्रिक्स देशों में हमें किस स्थिति पर रखा गया है, हमारे पड़ोसियों को किस स्थिति पर रखा गया है। यह संगठन विश्व के 42% जनसंख्या और 23% GDP और 30% क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है कि ये सभी देश इतना व्यापार करते हैं, इतनी जनसंख्या है इनके पास। और अगर 10वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2018 में हुआ था, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, तो इसे भी याद रखिए। फिर आपने देखा है कि C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 हुआ है। ये 9 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना होगा कि ये कॉप कहाँ हुआ था, ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ किया गया था, ठीक है। यह सम्मेलन, इस सम्मेलन का 7वां संस्करण है, 7वें नंबर का संस्करण है। इस सम्मेलन में C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा प्रस्ताव को पेश किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा के तहत एक विशेष कार्यदल के गठन का निर्णय भी लिया है। C40 में शामिल कोलकाता शहर को इस वर्ष ग्रीन मोबिलिटी तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए C40 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किसे? कोलकाता को, पश्चिम बंगाल, समझ रहे हैं आप। भारत के 5 शहर दिल्ली, जयपुर, अस्थायी रूप से निष्क्रिय जयपुर को, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर C40 शहरों के अंतर्गत आते हैं। यह सम्मेलन 2005 में सर्वप्रथम लंदन में आयोजित किया गया था। कहने का मतलब है कि पहली बार ये सम्मेलन आपका 2005 में हुआ था और लंदन में हुआ था। कहां? लंदन में। फिर आपने देखा है कि 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भी हुआ है। तो अजरबैजान के बाकू में 25 से 26 अक्टूबर 2019 को 2 दिवसीय गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम के देशों और सरकारों के प्रमुखों के बीच 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो यही रखिए कि अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ है, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 58वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है यानी कि थीम क्या है? समकालीन
विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बनडोंग सिद्धांत का समर्थन था। तो इस थीम को याद रखें। इस सम्मेलन में लगभग 160 से अधिक देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया है। अजरबैजान वर्ष 2019 से 22 तक नैम की अध्यक्षता करेगा। 19 से 22 तक सम्मेलन के अंतर्गत बाकू घोषणा पत्र जारी भी किया गया है। इसमें बाकू घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें फिलिस्तीन से संबंधित घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, वित्तीय संकट आदि विषयों पर चर्चा की गई है। याद रहे कि 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2016 में वेनेजुएला ने की थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल कुल 120 सदस्य हैं अभी अभी इसमें, लेकिन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करंट से जुड़े रहिए आप लोग। आगे है आपका 35वां, आपने देखा है आसियान शिखर सम्मेलन भी हुआ है 2 नवंबर से 3 नवंबर 2019 के मध्य। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक नॉन थापुरी में संपन्न हुआ है। तो ये याद रखना है आपको कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, 35वां शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, इसकी एक तरह से थीम है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्यूत चान ओचा ने की थी। ठीक है, सम्मेलन के अंत में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री को सौंपी गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री। वियतनाम की अध्यक्षता की अवधि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है और इस दौरान 22वां आसियान प्लस 3 शिखर सम्मेलन, 7वां आसियान यूएस शिखर सम्मेलन, 14वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, 22वां आसियान जापान और 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन और तीसरा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए गए। यानी कि यही आपके ये सभी इससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी यही जारी किए गए, यानी कि मतलब यही आयोजित हुए हैं। ठीक है, इनको भी याद रखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर पूछता है तो आप सही करने की स्थिति में पहुंच जाए। इस शिखर सम्मेलन के में आसियान देशों ने आसियान समूह विजन 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्धता दर्शाते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। याद रखिए, जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं 17, इन्हें बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। ये आपका इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप देखते हैं कि मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए या फिर आप कहीं ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें भी डालने के लिए पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से रट लीजिए जो भी करना हो आप लोगों को। और सम्मेलन में थाईलैंड में आसियान सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज एंड डायलॉग का शुभारंभ भी किया गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया है। याद रहे कि RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिए वर्तमान में 16 देशों, 10 आसियान सदस्य देशों और भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य के मध्य वार्ता चल रही है। अंतिम रूप से भारत ने RCEP में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। आपने देखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, जबकि अन्य देशों ने वर्ष 2020 में इस पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इस समझौता के अंतर्गत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाले कर को या तो देना ही नहीं पड़ेगा, फिर बहुत कम देना पड़ेगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि कोई भी अन्य देश जैसे चाइना है या कोई भी हमारा पड़ोसी है, कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड, जापान, ये हमारे यहाँ व्यापार करेंगे तो इन पर या तो कर कम देना पड़ेगा या बिल्कुल वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो भी किसान होंगे, जो भी और भी उत्पादन करने वाली कंपनियां, उन्हें घाटा होने की स्थिति है। आप जानते हैं कि चाइनीज कंपनी कितना मतलब सस्ता सामान बेचती है, सस्ता सामान बनाने में उनकी कीमत ही कम लगती है, तो आप समझिए कि हम लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे उनसे, तो इसलिए इसे पूरी तरह से हम लोगों ने नकार दिया। भारत में RCEP के पक्ष एवं विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं, जहां पक्ष में तर्क देते हुए कहा जाता है कि RCEP से बाहर रहने पर भारत एक बड़े क्षेत्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा, यह वही विपक्ष में तर्क देते हुए कहा गया है कि इससे भारत के उत्पादकों, किसानों और छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया है।
अब देख रहे हैं 35 आपका देखा था आपने कि ये आपका 35वां शिखर थाईलैंड में हुआ बैंकॉक में, लेकिन जो 36वां था इसमें क्या है कि अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लीजिए, कोरोना लॉकडाउन, तो इस कारण ये ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है ये हनोई में वियतनाम में हुआ है 26 जून 2020 को। फिर आपने देखा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 के बारे में भी सुना होगा, 23 दिसंबर 2019 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के आह्वान पर कार्रवाई उन्मुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो न्यूयॉर्क याद रखिए, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह शिखर सम्मेलन मुख्यतः जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 65 देशों मुख्य उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे कैलिफोर्निया ने वर्ष 2050 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती करते हुए शुद्ध शून्य तक लाने का वादा किया। सम्मेलन में फ्रांस ने घोषित किया है कि पेरिस समझौते का उल्लंघन करने वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। जर्मनी ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है इसमें। रूस ने पेरिस समझौते को अनुसमर्थित करने की घोषणा की है, और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2020 से 2025 तक के लिए अपनी सभी अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को दोगुना करते हुए उसे 11.6 बिलियन पाउंड तक कर दिया है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 175 गीगावाट के स्तर तक ले आएगा, और जिसे बढ़ाकर 450 गीगावाट किया जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। रीवा में आपने सोलर पार्क सुना होगा, कई जगह आप सुनते रहते हैं, आंध्र प्रदेश में भी सुना था आपने कुछ समय पहले। और ये मतलब विकल्प होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कच्चा तेल हो फिर चाहे कोयला हो, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, तो उस समय हमारे पास दूसरा विकल्प तो होना चाहिए। तो आप देखिए पानी से बिजली बनाए या फिर सूर्य से। अब आप सोचिए कि पानी और सूर्य जब खत्म हो जाएगा तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो जब तक ये रहेगा तब तक तो हम रहेंगे, तो कम से कम विकल्प तो रहेगा हमारे पास। तो इस पर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है, इससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम, प्रदूषण भी कम फैलता है। इस सम्मेलन के दौरान आपदा लोच अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का शुभारंभ भी किया गया है। CDRI एक ऐसे मंच के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा जहां आपदा और जलवायु के अनुकूल अवसंरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी और उसका आदान प्रदान भी किया जाएगा। नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा लोच अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फिर आपने देखा है कि 5वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन भी हुआ है, ये युवा शिखर सम्मेलन है। ठीक है, 10 से 20 अक्टूबर 2019 के बीच 5वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ है। ब्राजील की राजधानी कहाँ? ब्राजीलिया में। ये सभी जानते हैं आप लोग कि ब्राजील हो फिर चाहे भारत हो। और याद रखिए जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये भी आपका ब्राजील की राजधानी में ही हुआ है, आपको मालूम है ब्राजीलिया में। ठीक है, दोनों वही हुए हैं तो ये अच्छी बात है कि आपको याद रखने में सहूलियत होगी, बस थीम आपको अलग अलग है। 5वें सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है? उद्यमिता और नई तकनीकी वृक्ष युवाओं की अंतर्निहित क्षमता को विकास की ओर किस प्रकार से ले जाएं, ये इसकी थीम है। ठीक है, इस सम्मेलन में चीन को छोड़कर अन्य वृक्ष सदस्य देशों की युवा मामलों की मंत्रियों के साथ साथ युवा प्रतिनिधियों और युवा मामले के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया है। 5वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि दल ने भाग लिया है, यानी कि हमारी तरफ से भी लोग गए हुए हैं। भारतीय प्रतिनिधि दल में अरुणाचल प्रदेश की 2 युवा जुन्नू पिंगगम और लुम्बी डकपे शामिल थी। प्रथम ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2015 में कजान रूस में हुआ था, तो पहले के बारे में याद रखिए। दूसरा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन गुवाहाटी भारत में जुलाई 2016 में आयोजित किया गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि पहला हुआ आपका कजान रूस में और दूसरा हमारे देश में हुआ था जुलाई 2016 में गुवाहाटी में। ठीक है, फिर आपने देखा है UNCCD COP 14 यानी कि 14 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों की 14वीं बैठक का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हुआ है। तो ये हमारे भारत में भी है, तो महत्वपूर्ण और हो जाती है।
9 दिसंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस सम्मेलन के उच्च स्तरीय खंड को आज संबोधित भी किया है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है, भूमि को पुनर्स्थापित करें और जीवन को बनाए रखें, ठीक है। और भारत में पहली बार UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन भी किया गया है। भारत ने वर्ष 2021 तक अगले 2 वर्षों के लिए चीन से UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अध्यक्षता ग्रहण की है और COP14 सम्मेलन के अंतिम दिन घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है, ठीक है। इसमें इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और लिंग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, शांति वन पहल और भारत में 5 ट्रिलियन माफ करिए 5 बिलियन हेक्टर प्रतिभूमि की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। शांति वन पहल या दक्षिण यह पहल दक्षिण कोरिया की एक पहल है जिसमें शांति बहाली प्रक्रिया के रूप में पारिस्थितिकी बहाली का उपयोग करना है। इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी सम्मेलन के दौरान 14 अफ्रीकी देशों ने भूमि की गुणवत्ता में गिरावट से होने वाले प्रवासन को रोकने के लिए इस पहल की शुरुआत भी की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य प्रतिभूमि की गुणवत्ता को बहाल करना और प्रवासियों और कमजोर समूह के लिए ग्रीन बॉक्स जॉब्स कृषि क्षेत्र में नौकरियों का निर्माण करना है। COP14 सम्मेलन के आयोजन का 10वां दिन विश्व भर में सूखे की समस्या पर केंद्रित था। इस दौरान सूखे से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया है, इसे भी याद रखिए। सितंबर 2019 में UNCCD की COP14 का आयोजन करके भारत जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि पर सभी तीनों रियो अभिसमयों के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में हम भी शामिल हो गए हैं। तो ये था कि जो भी सम्मेलन हुए हैं, देखिए जितने भी सम्मेलन हुए मुझे लगता है कि ज्यादा सम्मेलन नहीं हो पाए इस बार कोरोना महामारी के समय से, तो इन्हें तो याद रख लीजिए। साथ में अगर 2019 में जनवरी से लेकर कोई हुए हैं उन्हें भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है देखिए पूछे इन्हीं से जाए, लेकिन कोई कह भी नहीं सकते। कई बार आपने देखा है कि 2017-18 के आंकड़े पूछ लेता है, तो थोड़ा याद रखना चाहिए मुझे लगता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए और आगे हम मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी चुनाव हुए हैं जिस भी देश में उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं।